में फेसबुक लाइव आए 7 तारीख को चचा को लेकर। मैं चचा को मुझे देर हो जाए तो मैं चचा को जल्दी भेजूंगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर चचा के सामने मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ एक कि मुझे 5 तारीख को जब इनकी घटना हुई, जब 6 तारीख को मुझ पर फोन आता है शहीद नगर से, वहाँ के जिम्मेदार लोग फोन करते हैं कि उम्मेद पहलवान इदरीसी साहब आप आ जाइए, आप लोनी रहते हैं, आपके लोनी बॉर्डर थाने में कोई घटना घट गई है। तो जब मैं 6 तारीख को वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ 10-20 लोग बैठे हैं। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी दाढ़ी कटी, मुझे मारा, मेरे साथ तरह तरह की बदतमीजी हुई, इनकी कमर दिखाई गई और जो जो चचा ने बोला वो इनके साथ हुआ। जब ये सारी बातें हुई तो मैंने कहा ठीक है, हम चलने के, वो तो मगरिब की नमाज हो गई, हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। जब हम वहाँ से चले तो मैंने हाजीपुर बैठे के कुल्लू पहलवान मोनू भाई और तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैंने लोनी के पत्रकार मुशाहिद भाई को फोन किया, आप उनसे पूछ लेना कि मुशाहिद भाई घटना हो गई है। मैंने मौसम पत्रकार को फोन किया कि मौसम पत्रकार जी ये घटना हो गई, आप आ जाइए। मैंने काशिम बिहार में जमीयत उलमा हिंद के फरमान साहब वहाँ मौजूद हैं मस्जिद में, उनसे पूछना, मैंने उनको फोन किया कि आप लोग आ जाइए, मगर कोई किसी कारण नहीं आया। हम लोग लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे, 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। जब तहरीर को हम दिखाते रहे तो उन्होंने हमारी तहरीर लेकर रख ली। मेरा मोबाइल आप देखें, मैंने थाने की मेज पर उस तहरीर को रख कर उसका फोटो खींचा है, वो डेट आप मेरे मोबाइल में देखें। और जब मुकदमा नहीं लिखा गया और 7 तारीख को ये फिर मेरे घर 3:30 बजे आते हैं कि उम्मेद पहलवान जी हमारा मुकदमा पुलिस ने नहीं लिखा, तब मैं 4 बजे लाइव आया। और जब मैं 4 बजे लाइव आया तो 7 बजे पुलिस हरकत में आई और चचा का मुकदमा पंजीकृत किया। मगर वो मुकदमा ऑटो वालों पर फर्जी, एक ऑटो वालों पर लिख दिया गया और वो भी अज्ञात में। तहरीर दी कुछ, मुकदमा हुआ कुछ। और बात करते हैं सांप्रदायिक की, मेरी पूरी फेसबुक लाइक में मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूँ, अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनको सबक सिखाऊं। मगर इस हिंदुस्तान में, हमारी लोनी में भी ऐसे हिंदू हैं जो हमारी दाढ़ी टोपी से प्यार करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। और लोनी की मिसाल ये रही है कि जब मुसलमान लोग लोनी छोड़कर जा रहे थे तो हमारे गुर्जर समाज के भाइयों ने अपनी पगड़ी रखकर हमें रोकने का काम किया। ऐसी मिसाल हमारी लोनी की रही है, हमने भाईचारा बिगड़ने का काम नहीं होने दिया। है जो तहरीर पुलिस ने छुपाई है, देखिए मैं एक बात लाइव कह रहा हूं, बॉर्डर थाने में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ओम की टेल जितनी भी लगी हुई है वो सब मैंने लगवाई, ये वहां के लोगों को पता है। मैं कहना चाहता हूं कि वो दरोगा, वो पुलिस उस मंदिर में खड़े होकर कसम खाएं कि जो तहरीर चचा ने दी है क्या उसमें वो बात जो आप कह रहे हैं वो है नहीं है। तहरीर बदली गई, अगर वो पुलिस वाले कसम मंदिर में खा जाए, चाहे वो झूठी खाए सच्ची खाए, तो मैं लाइव भी कह रहा हूँ, चैनल में भी कह रहा हूँ, मुझे उसी वक्त फांसी की सजा दी जाए, सारे मुकदमे मुझ पे लिख कर जाए। और एक सबूत मैं आपको और देता हूँ, देखिए 6 तारीख की CCTV थाने का CCTV फुटेज निकाला जाए कि हमें कितने घंटे थाने में बिठाया गया है, मेरा मोबाइल चेक किया जाए कि उस दिन हमने फोटो खींचा नहीं खींचा, और दरोगा जी की वो डायरी देखी जाए जिसमें दरोगा जी ने, शायद उनका नाम नरेश है, जिसमें उन्होंने वो एप्लीकेशन रखी और चचा के उस पर साइन है और चचा ने वो एप्लीकेशन दी, चचा सामने बैठे हैं, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई, मैंने उनकी मदद करने का काम किया, इनको लिटा दीजिए। चचा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, मैंने फालतू तो नहीं बोली, कोई लगा बुझा के तो नहीं बोली, जो जो तुमने बताया मैंने वही बोला, उससे आगे पीछे तो नहीं बोला। मैं इस लाइफ से पहले आपको कभी जानता था, कभी आपसे मिला, कभी मेरी आपसे बात हुई, अब आप इनको लुटा दीजिए।
बात हो रही दाढ़ी काटने की, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि ये गाजियाबाद की पुलिस ने इतना जल्दी हाईलाइट क्यों किया। लोनी में अभी 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले डबल मर्डर हो गया था ना, देखा होगा आपने। उस बात की पुलिस ने तहकीक करके मर्डर खोल भी दिया, और इस तहरीर को दिए हुए 5 तारीख, 6 तारीख, कितनी तारीख हो गया आज, 15 तारीख, 16 तारीख, जो मुलजिम चचा को मार रहे हैं, वो 4 लड़के 2 हाथ पकड़े हैं, 2 मार रहे हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं। दूसरी बात, रुक जाइए भैया, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पुलिस कह रही मैंने सांप्रदायिक बातें की। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब परवेज गुजर को लोनी थाने में 2 दिन रखा गया, तो किस मुसलमान ने थाने में जाकर गाली दी, किस मुसलमान ने थाने में जाकर पथराव करा, किस मुसलमान ने जाकर बदतमीजी की, किस मुसलमान ने हिंदू मुस्लिम की बातें की नहीं की, तो कहाँ सांप्रदायिक बातें हुई। जब वो कोर्ट गया, किस मुसलमान ने उनको गाली दी, कहाँ सांप्रदायिक बातें हुई। 5 तारीख की घटना, किस मुसलमान ने किस हिंदू को पीटा, किस हिंदू ने किस मुसलमान को पीटा, सिवा परवेज गुजर के अलावा कौन सी घटना हुई, कहाँ हिंदू मुस्लिम हुई। हिंदू मुस्लिम बना रही हैं 1-2 बड़ी मीडिया। पहले भी हम मुसलमानों को जमियत के नाम से, कोरोना के नाम से बदनाम किया गया, बाद में उनको उनकी औकात का पता चला कि कोरोना कहाँ से निकला, फिर हम दाढ़ी वालों की इज्जत होनी शुरू हो गई। आज फिर हमारी दाढ़ी काट कर फिर हमारे साथ घिलौना काम करने का काम कर रहे हैं। आप हमारी दाढ़ी काट देंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे। जब हमने मुसलमान घर में जन्म लिया, इस्लाम धर्म में हम पैदा हुए, तो चाहे हमारी दाढ़ी काट दो, चाहे हमारा सिर काट दो, हम मुसलमान होकर ही मरेंगे इंशाल्लाह, और मुसलमान होकर ही पैदा हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।